नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति को कभी अपने ऊपर प्रयोग करके नहीं सीखना चाहिए, बल्कि दूसरों के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। अगर अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने की कोशिश करेंगे तो आयु बहुत कम पड़ जाएगी। आचार्य की इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि अगर वाकई जीवन में बड़े काम करने हैं, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो दूसरों की गलतियों से सबक लेना सीखो। खुद गड्ढे में गिरने का इंतजार ना करो, वरना जीवन में लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा। अगर आप भी अपने जीवन में तमाम समस्याओं से बचकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आचार्य की कुछ बातों को गांठ बांध लें। अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने लोगों के बेहतर भविष्य और कल्याण के लिए ऐसी बातें लिखी हैं जो आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं। ये गूढ़ बातें कदम कदम पर आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं उन दो आदतों के बारे में जिन्हें आचार्य चाणक्य ने हर हाल में बदलने की हिदायत दी है, वरना आप प्रताड़ित होना तय है। नंबर एक, जिस प्रकार सीधे खड़े वृक्ष को सबसे पहले काटा जाता है, ठीक उसी प्रकार सीधे इंसान को सबसे पहले ठगा जाता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को व्यवहार से इतना सीधा और सरल नहीं होना चाहिए कि लोग उसका फायदा उठाने लगें। ऐसे लोग बेशक खुद बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये दुनिया उनके जैसी नहीं होती। इसलिए हर व्यक्ति में दुनिया में मौजूद धोखेबाज और चालबाज लोगों से खुद को और अपने परिवार को बचाने की क्षमता जरूर होनी चाहिए। अगर आप अपने सीधेपन के स्वभाव को नहीं बदलेंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, कदम कदम पर आपको परेशान करेंगे और मूर्ख बनाएंगे। इसका खामियाजा आपके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। याद रखिए, जो पेड़ एकदम सीधा होता है, सबसे पहले उसी को काटा जाता है। इसी तरह सीधे इंसान को भी हर कदम पर ठगा जाता है। इसलिए इतने सीधे ना बने कि कोई आपके जीवन को परेशानी में डाल दे। नंबर दो, किसी को यह महसूस ना होने दो कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। आचार्य चाणक्य का मानना था कि आप चाहे कितना बड़ा मुश्किल का पहाड़ टूटा हो, आप चाहे अंदर से कितने ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी किसी को अपने मन की स्थिति ना बताएं। असल जिंदगी में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो आपकी इस तकलीफ को समझ पाते हैं। वास्तव में लोग जब आपकी मन की कमजोरी को समझ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आचार्य का मानना था कि टूटे मकान से लोग ईंटें तक उठा ले जाते हैं, तो आपकी कमजोरी मना स्थिति में वो आपके जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। हालांकि ये भी सच है कि सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कौन अपना है कौन पराया, इसकी परख समय के साथ होती है। जब तक आपको किसी पर पूरा भरोसा ना हो, तब तक अपना दुख किसी से ना कहें, वरना आपके लिए समस्याओं की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, आपको ये चाणक्य नीति कैसी लगी? तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, ऐसी चाणक्य नीतियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।